आपके जवाब को पढ़ा नहीं है शायद। अरे आपने 211 रुपए कहा भी। आपने आपके जवाब को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दूसरा पर्ची मिल गया, आपको जवाब का दूसरा पर्ची मिल गया, मैं आपके जवाब को पढ़ रहा हूं। आपने बताया कोल ट्रांसपोर्टेशन पे घरघोड़ा रेलवे साइडिंग 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन, रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग 80 किलोमीटर के लिए 683 प्रति मैट्रिक टन के दर से कार्यादेश हुआ है। ये दुगने से ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, दुगने से ज्यादा है। प्रति टन 250 रुपया का हिसाब हुआ, ये इनके जवाब में आए, मैं कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा हूं, इनकी पर्ची दूसरी पढ़ रही है। ये 211 यानी SECL के रेट के अनुसार पे 232 रुपया से ज्यादा नहीं होता जो 466 रुपया हो रहा है, ये दुगने कीमत में, इसलिए इसको तत्काल रद्द किया जाए अध्यक्ष महोदय और रीटेंडर किया जाए, विधायकों के जांच दल से इसकी जांच कराया जाए। ये पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, कोल के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं किलोमीटर के हिसाब से बताता हूं तो टोटल दूरी के हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं, अब पूरा दूरी के हिसाब से बताऊंगा तो किलोमीटर में आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, पूरे 40 किलोमीटर का ये लिखित उत्तर में अध्यक्ष महोदय। ये केमिकल लोचा क्या है मुझे तो समझा दीजिए। मतलब अभी तक के रमन सिंह जी वो 18 लाख मकान जो है वो 8 लाख फुट बनवा चुके और उसके बाद 16 लाख बचा है, और इसमें जो ACCL का उस गाइडलाइन को कौन मार रहा है अध्यक्ष महोदय? जितने भी बाहर की जो सड़कें हैं उसके परिस्थिति के हिसाब से दूरी के हिसाब से होता है। अब ये तो सीमित दूरी के लिए अध्यक्ष महोदय, 0 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के, और 20 किलोमीटर के अधिक के लिए है। तो 20 किलोमीटर से अधिक के लिए जो है, क्योंकि 40 और 80 किलोमीटर है घरघोड़ा और रावर्सन का, तो ऐसी स्थिति में आपने ही जब शर्तें बनाए, MDO नियुक्त किए, उस समय जो शर्त डाले थे इसके लिए MDO नियुक्त किया जाएगा, और MDO जो 0 से 3 किलोमीटर तक के है उसमें तो MDO ट्रांसपोर्ट कर लेगा, लेकिन जो अधिक है इसलिए टेंडर होगा, और टेंडर के में उस टेंडर प्रक्रिया में MDO के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये आप पूरा जो MDO नियुक्त किया उस समय सारे शर्तें हैं, और ये शर्त कौन बना है? हमने तो नहीं बना है, वो आपने बन रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय केमिकल लोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस बात का आ जाए कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है तो जांच के लिए 221 जवाब तो ये आ रहा है कि आप ही के जमाने में नियम कानून बने हुए हैं। सवाल में जवाब दे रहा हूँ, दे रहा है, जब आपको काम आज के तारीख में टेंडर करोगे तो 225 रुपया में तैयार हो जाएगा, तो 466 रुपया लगातार देने का इतना बड़ा लेन देन हिसाब किताब आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। जो 232 रुपया में तैयार हो जाए वो 466 रुपया का टेंडर स्वीकृत करना किसी मापदंड के आधार पर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के जो कंपनी है उसके माध्यम से टेंडर फ्लोट किया गया, और ये टेंडर और पूरे देश भर के पेपरों में इसका विज्ञापन निकाला गया, ऑनलाइन टेंडर भरा गया, और जब टेंडर भरा गया तो उस समय जितना रेट आएगा उसी हिसाब से तो फैसला होगा अध्यक्ष महोदय। अब आपके पास है तो अगले समय टेंडर में भरवा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में आपको कोई कमी है क्या? वो पूरा देश भर में इसका विज्ञापन दिया गया, सारे समाचार पत्रों में जो लोकप्रिय समाचार पत्र हैं उसमें विज्ञापन दिया गया, ऑनलाइन टेंडर किया गया, 8 कंपनियां आई तो 4 कंपनी वापस ले ली, 2 सही पाए गए, उसमें बीडिंग हुई, रिवर्स बीडिंग भी हुई, वो सब होने के बाद तय हुआ। अब कहां से 200 हो गया अध्यक्ष महोदय? जब हमने टेंडर बुलाया है उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में भ्रष्टाचार भर गया, इसलिए हर समय उस वही वही बात करते हैं। भरा है, पूरा भरा है, चलिए पूरा भरा है, आधा नहीं, इसके पूरा भरा है। परिवहन में जितने भी दूसरी कंपनियां परिवहन करा रही हैं अध्यक्ष महोदय, ACCL और दूसरी कंपनियां, ACCL की सड़क खराब है, सबसे खराब सड़क ACCL का है जो उनका इंटरनल रोड है, हमारी सड़क तो शानदार है, हमारी सड़कें सब शानदार है, तो वहां पे परिवहन का दर कम होगा कि ज्यादा होगा? ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है, ACCL के अंदर का रेट से दुगने रेट में कोल परिवहन की अनुमति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा कंपनी वाले इनसे मिले थे क्या? छोटा सा विषय मेरा है, इस विषय की जांच यदि करा लें विधायकों से तो ये सारा विषय भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी के जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं उससे जुड़े हुए कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं उसके बारे में मैंने आंकड़े दे दिए, उसके रेट मैंने दे दिए, और जहां तक के घरघोड़ा की जो सड़क है और आवर्षण गढ़ की सड़क है उसके बारे में जितने हमारे रायगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी गया था, निर्देश भी दिया था कई बार उस सड़कों को बनाने के लिए, आप सब जानते हैं। और इसके पार्टी पदाधिकारी पदयात्रा भी किए, सड़क और अच्छी है, फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं उस सड़क में? अध्यक्ष महोदय, वाकई में बहुत खराब है वो सड़क, और हम लोग लगातार रिपेयरिंग करने की कोशिश करें, भारत सरकार से करें कि उसको ले लें, लेते भी नहीं, और उसके कारण से वो रेट आया अध्यक्ष महोदय। लेकिन दूसरे जो और कंपनियां हैं जहां ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है उससे बहुत कम में किए अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ है। और केवल रमन सिंह जी को केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है करके, ये पहली बार नहीं लगाया, इसके पास और पहले लगाए थे अध्यक्ष महोदय, और 12 में खुद भी जवाब दिए थे, जेजी पटेल ने प्रश्न किया था और रमन सिंह जी ने इस मामले में इसी संबंध में प्रश्न लगाया था, उसका जी भी जवाब दिया था। अच्छा, यदि आपको लगता है कि उस समय के परिवहन के दर और अभी के परिवहन दर में आपको चर्चा करना है तो खुली चर्चा कर लेना। उस समय के परिवहन की दर क्या होती थी, टेंडर की प्रक्रिया? रमन सिंह जी, रमन सिंह जी, 2012 में भी शुरू भी नहीं हुआ था, खुली चर्चा हुआ था, परिवहन के दूसरे संदर्भ में हुआ था। चुनौती देता हूं ना, अरे भैया उस समय ट्रांसपोर्टिंग हुआ ही नहीं था। आज यदि तुलना करते हैं तो 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, महंगे पावर तुलना तो कर लो आप, उसको तुलना करके आज दुनिया के सबसे महंगे पावर प्लांट करा लीजिए, निर्माण इन्होंने कराया, खुली चर्चा करा लीजिए, जमीन अध्यक्ष जी अधिग्रहित की, उसको नौकरी तक नहीं दे पाए, वो सबको हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एमबीए उन्होंने नियुक्त किया, एमबीए की शर्त इन्होंने तय की, उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब पूरे टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी अध्यक्ष महोदय, माननीय किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, दो मुख्यमंत्रियों के बीच में मैं किसी के लव नहीं करता। चंदन कश्यप क्या है, दो मुख्यमंत्रियों की ज्ञानवर्धन हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का जवाब में आया है 675 रुपए में ट्रांसपोर्टिंग का ठेका नए एनडीओ को दिया गया। चंदन कश्यप जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब परंपरा ये है, लेकिन जब पहली बार टेंडर होता है गलत जानकारी दी है, तीन लोग ना हो तब तक टेंडर नहीं खोला जाता है। और मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि चार लोगों ने भरा, दो लोग अमान्य हो गए, दो लोग पास हो गए, तो रीटेंडर क्यों नहीं हुआ? एक बार पहली बार नहीं तो टेंडर होते कैसे क्लियर कर दिया? दोनों मुख्यमंत्री बृहस्पति सिंह जी, आप बृहस्पति सिंह जी, आप 675 रुपए में नई एमडीओ ट्रांसपोर्टिंग कर रही कोलरिस करके कंपनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कोलरिस करके कौन एमडीओ आ गया, इसको क्या एमडीओ दिया गया है, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था, क्या कैपेसिटी, क्या अधिकारियों ने जिसको एमडीओ बनाया गया उसको पहले उसको कौन सा अनुभव था? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो टेंडर है, टेंडर में यदि कहते हैं कि चार लोग, आठ लोग फार्म खरीदे, चार लोगों ने फार्म भरा, दो पात्र पाए गए अध्यक्ष महोदय, दो अपात्र पाए गए, और जब किसी भी बिडर ने कोई शिकायत तो की नहीं निविदा में, तो सवाल जब निविदाकर्ताओं ने कोई शिकायत नहीं की है तो फिर सवाल ही जुड़ता अध्यक्ष महोदय। नहीं माननीय अध्यक्ष, परंपरा है माननीय अध्यक्ष, जब टेंडर बुलाया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चार लोग भरे, दो लोगों में खोल दिया गया, चार लोग का टेंडर, वो दो तो अमान्य हो गए थे। माननीय अध्यक्ष, ये शिवरतन जी ना अध्यक्ष जी, शिवरतन जी हमेशा गुमराह करते हैं, चार लोग, अरे शिवरतन जी चार लोग, चार लोग आज खरीदे, चार लोग भरे, आपने बताया ना उसमें दो अपात्र हो गए, बचे तो भैया तो दो अपात्र पाए गए, उसको चार लोग भरे, उनके बाद में चार लोग भरे, मैं बता रहा हूं,
सब लोग बैठिए 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 बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूं, इसमें भ्रष्टाचार के हेलो इसमें भ्रष्टाचार के जो भी बातें आई हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित जो बातें हैं उसको विलोपित करें। क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री का सवाल है, मैंने इसमें किसी को बीच में अनुमति नहीं दी है। मैंने दूसरे आदमी को प्रश्नकाल के लिए बुला लिया था, चंदन कश्यप वापस पढ़े। चलिए बैठिए आप लोग, आप बैठिए 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 ये आपकी मांग है ना, आप लोगों ने मांग की है, आपने मांग की है, आप बैठे जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप बता दें, वहां स्थापित कर दी जाएगी। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेंडर को रद्द करें, ममता चंद्राकर ममता चंद्राकर आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि अरे दूसरा काम खत्म हो गया, बंद कर माननीय अध्यक्ष महोदय शिव रतन जी शर्मा, शिव रतन जी शर्मा, शिव रतन जी शर्मा, माननीय अध्यक्ष जी शिव रतन जी शर्मा, अगर आप सही हैं तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ है? अरे आप शिव रतन शर्मा आओ, माननीय अध्यक्ष महोदय इन सब चीजें बंद हो गई है। अब ये यहाँ माननीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के हल्ला करते हैं, ये रास्ता खोलना चाहते हैं, दुकाने बंद हो गई होगी, जनता ने लगा दिया है, वो लाइट भी लगाने वाली है, भ्रष्टाचारी कोई मुद्दा ही नहीं है जो लक्ष्मी ध्रुव, प्रेस कमान 14 लक्ष्मी ध्रुव, लक्ष्मी ध्रुव प्रेस कमान 14 आप लाइए ना इसके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रेस कमान 14 लक्ष्मी ध्रुव, माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है, लेकिन मेरा पूरा प्रश्न ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से अधिक पेड़ लगाए थे, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसकी जांच कराएंगे क्या? कई कक्ष ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। प्रश्नकाल समाप्त, मोहम्मद अकबर जी प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, मोहम्मद अकबर जी आप अपना सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय आप सब, पहला दिन है नौ वर्ष और हिंदू नौ वर्ष की सभी पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय और आज विश्व जल दिवस, बीच की लाइन के पूरे माननीय मंत्रीगण महामाया गए हैं, नवरात्रि मना, आज हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन है और अभी 5 साल हो गया, उसके बाद जिस दिन चैत्र नवरात्रि भी बिजनेस रहेगा आज से प्रारंभ हो रही है, साथ ही गुड़ी पहवा भी है। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ साथ आप सभी माननीय सदस्यों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पहवा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस शुभ अवसर पर आप सभी की खुशहाली की कामना करता हूं। माननीय अध्यक्ष प्रश्नकाल श्रीमती अनिता योगेंद्र, माननीय अध्यक्ष महोदय ये बीच के माननीय मंत्रीगण कौन से, इधर के मंत्रीगण कौन सी कामना से गए हैं नवरात्रि मनाने? नवरात्रि में जा सकते हैं, खतरा तो नहीं है उन लोगों को? माथठ आदरणीय अध्यक्ष जी नवरात्रि सबको बहुत बहुत बधाई, सभी सदस्यों को माता के चरणों में, माता के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अगली बार ऐसी संख्या पूरी इसी प्रकार बनी रहे, माता के चरणों में यही प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय
मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि 2023 के चुनाव में आप हम लोग को वहीं दिखाई दें और हम लोग यहाँ दिखे और बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में हमको आसीन दिखे। चलिए अनीता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवरात्रि में पहली माता जी का क्वेश्चन लगा है, अच्छे से पूछिए। मैं नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब आ गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे ठेकेदार जो काम आधा अधूरा छोड़ के चले गए हैं, ऐसे ठेकेदार को आपके द्वारा राजसात, उनकी राशि को राजसात की गई है, लेकिन आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे भविष्य में ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके उनको सबक सिखाया जाए। निवेदन। धन्यवाद। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे तरफ से भी सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। और सम्मानीय विधायक जी, तीनों ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और अगर आगे भी कोई भी ठेकेदार लापरवाही करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत मुरेठी और ग्राम पंचायत छपोरा, जहां पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और वहां पाइपलाइन का काम इन लोग किए हैं, लेकिन टंकी काम नहीं हुआ, तो थोड़ा जल्द से जल्द इसको करवाएं। और वैसे ही छड़िया और नहरडी में दो जगह और है, तो आपसे निवेदन चाहूंगी। धन्यवाद। सामान्य अध्यक्ष जी, वैसे दो प्रकार की योजना होती है, एक जिसमें पानी टंकी के जरिए घर घर पानी सप्लाई किया जाता है और दूसरा स्पॉट सोर्स के थ्रू, लेकिन आपकी जो चिंता है मैं उसको दिखवा लूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत। कुलदीप जुनेजा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है, रायपुर में सीमाट का संचालन एवं राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री जी से आपके माध्यम से, माननीय मंत्री, रायपुर के दो खुल चुके और एक खुलने वाली सीमाट में अब तक विभाग द्वारा कुल जमा 28.5 लाख की खरीदी की गई है, जिसमें 20,75,000 की सामग्री छत्तीसगढ़ से की गई है, जो कि स्मार्ट को संचालित करने वाली संस्था की सहयोगी है। क्या सीमार्ट खरीदी के नित नियम बनाया गया है क्या, कृपया मंत्री जी बताएंगे। जी निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी, और सीमार्ट का संचालन जिला के ना कलेक्टर के ना द्वारा किया जाता है, तो उसमें नियम बने हुए हैं। क्या कहा, समझ लिया आपने ना जी। चलिए एक प्रश्न और है माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री से। मंत्री जी एक और एक तो पूछ रहा हूँ भैया जी, एक और पूछ लेना ना। पूछ लो। मंत्री जी, दो सी मार्ट पहले से खुल चुके हैं, वहाँ पर पिछले से खुले हुए हैं, वहाँ पर पिछले 8-10 माह में महिला स्व सहायता समूह को 60,000 का लाभ हुआ है, कृपया इसकी मार्केटिंग अच्छा करने का कष्ट करेंगे, जिससे महिला स्व सहायता को और भी लाभ हो सके, ऐसा आप प्रयास करेंगे क्या, मेरा आपसे प्रश्न। निश्चित तौर पर सम्मान्य अध्यक्ष जी, सी मार्ट का उद्देश्य है कि महिला स्व सहायता समूह और जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्ट है उसको उसके द्वारा सप्लाई किया जाए, बेचा जाए, और निश्चित तौर पर आपकी जो चिंता है उसको देखेंगे। धन्यवाद। मोहित राम जी, पहला प्रश्न लगा है शायद आपका, जरा जम के पूछिएगा। नवरात्रि की शुभकामना के साथ, आपने मेरे प्रश्न को बहुत मुश्किल से लाने का कृपा किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न यथा कि हाथियों के संबंध में है कि जनहानि और मृत्यु, मेरे विधानसभा में 5 अभी तक मृत्यु हो चुकी है, दुखद घटना है और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात में निवेदन किया था, तो मेरे को ने मुख्यमंत्री माननीय सम्मान जी ने रेस्क्यू सेंटर का 2 जगह स्थान दिए हैं, जो कि मेरा विशेष निवेदन था कि 2 जगह जो है वो उससे पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी मेरे विधानसभा जंगल से घिरी हुई है और पसान बेल्ट, मातिन दाई का बेल्ट जो है ये, और मुर्गा बेल्ट है जो ये छूट गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाने का कृपा करते। और साथ में मेरा इसी निवेदन के साथ में मैंने ये भी आखिरी में निवेदन किया था जो गाँव में है, क्या मौजा राशियों पर बढ़ोतरी प्रस्तावित है, यदि है तो कब तक बढ़ोतरी की जाए, ये इसमें जवाब यही आया है कि प्रस्तावित नहीं है, पर मेरा निवेदन ये था कि ये मौजा बढ़ोतरी इसलिए मैं मांग कर रहा था कि जिस मकान को तोड़ा जाता है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें
उसके जो हिस्सा को जो 5 फीट या 4 फीट का हिस्सा को तोड़ता है, उस तो जब तोड़ता है दीवार को तो पूरा जो कड़ेरी जो होता है, खपरा जो होता है, वो पूरा नीचे गिर जाता है। और वो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी के द्वारा जो उनका नियम जो बना हुआ है, जो मापदंड है, उसके हिसाब से स्क्वायर फीट में नाप करके उसको मुआवजा राशि देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मैं मौके पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो उस घर का स्थिति बहुत ही ठीक खराब हो जाती है। तो मेरा निवेदन था कि उसको बढ़ोतरी करते साथ में माननीय वन मंत्री जी, मैं एक मिनट में और बोल देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, साथ में मैं ये कहूँगा कि राशि जो मृत्यु राशि जो है वो 6 लाख रुपया अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने बढ़ा के दे, वे इसके लिए निवेदन कर रहा था कि ये भी राशि थोड़ा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस मुखिया का मृत्यु होने के बाद में उस घर में अंधेरा हो जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था, बच्चों का शिक्षा दीक्षा चला जाता है। यही मेरा निवेदन था महोदय। हिंदू नववर्ष के अवसर पर मेरी ओर से नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पहले 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता था, अब उसको बढ़ा किया गया है, लेकिन मकान के संबंध में जिस प्रकार से माननीय सदस्य की चिंता है तो मैं इसमें विचार करवा लूंगा। धन्यवाद। और कुछ? धन्यवाद। तुम्हारे यहाँ हाथी से 6 लोग मरे हैं जी? 5 मृत्यु हाथी से हुआ है, 1 मृत्यु जो अभी सुअर के साथ एक महिला घटना हुआ था, सुअर भी मर गया और महिला भी मर गई थी साथ। अच्छा, हाथी कितने मरे हैं आपके क्षेत्र में? एकाध हाथी मरा है? नहीं, हाथी तो एक चोटिया के पास बनिया पंचायत में को उससे मरा था, जो बच्चा था वो दलदल में फंस गया था खेत में, उससे मरा था। चलिए, धर्मवीर जी कार से नहीं मरा है। अध्यक्ष महोदय, आज जब नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं तो दुर्गा के वाहन शेर के टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जवाब जो है ये तो बड़ा हास्यास्पद जवाब है अध्यक्ष महोदय। मैंने ये पूछा कि टाइगर रिजर्व का गेट खुड़िया में खोलेंगे क्या, तो जी नहीं। टाइगर रिजर्व अचानक मार्ग मुंगेली जिले में है तो आपने कह दिया बिलासपुर जिले में और मुंगेली जिले में है। बिलासपुर जिले में उस शिव तराई के पास आपका सिर्फ रिसॉर्ट भर है, बाकी 95% एरिया मुंगेली जिले में है, और उस टाइगर रिजर्व में प्रवेश का कोई द्वार भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि खुड़िया पर्यटन स्थल है, वहां अगर आप एक गेट खोल देते तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होता और लोगों को आवागमन और टाइगर रिजर्व में घूमने का लुत्फ भी उठाने का मौका मिलता। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रश्न नहीं उपस्थित होता, आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? टाइगर खुड़िया में गेट खोलने की आवश्यकता क्यों नहीं है? अब उसको रिक्वेस्ट कर लीजिए ना, खोला जाए करके, काहे को उनको पता रहे। मत खोले, लेकिन मैंने कुछ जानकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अचानक मार टाइगर रिजर्व मुंगेली तथा बिलासपुर जिला अंतर्गत अवस्थित है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भाग बिलासपुर जिले में है तो उसको छोड़कर उत्तर नहीं दिया जा सकता था। दूसरी बात यह है, आपने जो गेट खुड़िया में गेट के बारे में जो बात कही है, इसके बारे में पर्यटक मार्ग के नियंत्रण हेतु भारत सरकार NTCA द्वारा जारी पत्र FN 1515/2021 NTCA 1522/2022 के बिंदु क्रमांक 2 में यह निर्देश दिया था कि पर्यटक मार्ग में पर्यटक वाहन की आवाजाही एक तरफा होनी चाहिए, क्योंकि खुड़िया पर्यटक मार्ग का प्रस्ताव में वाहनों का आवाजाही 2 तरफा प्रस्तावित होने के कारण उस प्रस्ताव के स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया। केंद्र से नहीं किया गया? अरे रुकिए ना, उसी को समझ लूं। केंद्र का क्या 2 तरफा वाहन कैसा, जरा समझाइए ना मेरे को, मैं नहीं समझ पाया। वो आदेश को आप पढ़ दिए, मैं समझ गया भारत सरकार का है। आप मुझे सरल भाषा में समझाइए कि खुड़िया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण गेट नहीं खुलेगा, सरल भाषा में समझाओ। ये क्रमांक क्रमांक से मेरे को मतलब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुड़िया से शुरू होकर जमुनाही भुरकुंड तालाब कंचनपुर लोरमी होते हुए वापस खुड़िया पहुंचने का मार्ग का संभावना को विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस मार्ग के कुल लंबाई 48 किलोमीटर में से केवल 10 किलोमीटर लगभग का भाग टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर और बाकी 38 किलोमीटर का भाग टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर आती है। अतः यह संभावना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि लोरमी बफर में कोई पर्यटक मार्ग स्थापित करने की संभावना प्रतीत नहीं होता है। अतः खुड़िया में प्रवेश द्वार खोलने का कोई औचित्य नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, खुड़िया के पास कौन सा ऐसा गांव है जहां पर गेट खुल सकता है जो आपके कोर जोन में है, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थल मेरे द्वारा देखा गया नहीं है। प्रश्न ये था कि खुलेगा कि नहीं, तो भारत सरकार से अनुमति नहीं है इसलिए नहीं खुल पाएगा, वो मैंने आपसे निवेदन। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकारी खुड़िया अचानकमार टाइगर रिजर्व को मनमानी तरीके से केंद्र की सरकार का आड़ लेकर के वहां जितना दमन हो सकता है करते हैं। न तो आप वहां काम होने देते, न वहां पर वन मार्ग को जो मिट्टी का बनना है वो भी नहीं बनाए, चार साल में एक इंच नहीं बनाए हैं, वहां के लोगों को रोजगार भी नहीं देते। अब ये हम चाहते हैं कि टाइगर रिजर्व का एक गेट खुले। जब कान्हा नेशनल पार्क में खटिया में गेट है, मुक्की में गेट है, सरही में गेट है, तो यहां एक गेट खोल देने से कौन सा भारत सरकार का कानून की धज्जी उड़ जाएगी? आप खुड़िया में नहीं खोल सकते, कोर जोन के गांव में खोलिए। कोई दूसरा गांव है, जमुना ही है, जकड़ बांधा है, बिजरा है, सलगी है, मजूरहा है, और दुनिया भर के गांव हैं और वहां तक रोड बनी हुई है, कहीं तो खोलिए, लोगों को आवागमन के लिए वहां पर उपलब्ध हो, साधन उपलब्ध हो। आपके टाइगर रिजर्व का अमला वहां रहेगा, वहां तो शिकार भी हो रहा है, अवैध जानवर मारे जा रहे हैं, कोई करंट से मारा जाता है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसकी रक्षा वहां पर गेट खोल देने से आपको तकलीफ क्या है? अगर आपके जानवर की भी रक्षा होगी, बिलासपुर जिले के लोग वहां पर घूम फिर लेंगे, तो मुझे आप आश्वस्त कर दीजिए कि खुड़िया में मान लीजिए भारत के सरकार का कानून उल्लंघन हो रहा है और आप भारत के सरकार का कानून का अक्षरशः पालन करते हैं, जो कि कई मामलों में होता नहीं है ना, तो आप मुझे ये बताइए कि खुड़िया नहीं तो जमुना ही में खोलेंगे क्या, जमुना ही नहीं तो जकड़ बांधा में खोलेंगे क्या, वहां नहीं तो बिजरा में खोलेंगे क्या, बिजरा नहीं तो मजूरहा में खोलेंगे क्या, मजूरहा नहीं तो सलगी में खोलेंगे क्या? ये सब बॉर्डर के गांव हैं और बफर जोन का अभिशाप वो लोग भी भुगतते हैं, तो वहां पर उनको सुविधा पाने का हक है माननीय मंत्री जी। अब ये कायदा कानून की आड़ लेकर के आप मत बचिए, कर दीजिए। और भारत सरकार ऐसा नहीं कह रहा है कि भारत सरकार की वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप गेट नहीं खोल सकते, उससे क्या फर्क पड़ता है? टूरिज्म का अगर गेट खुलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपके नियमों कायदों और नियंत्रण में वो खुलेगा। खुड़िया के अलावा कहीं आजू बाजू में आप विचार कर सकते हैं क्या, प्रस्ताव भेज सकते हैं क्या? मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा। चलिए, धन्यवाद। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जो पूछा था, मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उस पर नीचे के अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई किए हैं, उनको निलंबित किया गया है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो भुगतान है और भुगतान के पूर्व उसका निरीक्षण करने का, लेखा देखने का, ये जवाबदारी किस अधिकारी के है? माननीय अध्यक्ष महोदय, परिक्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत ही सब कार्य होते हैं जी। नहीं, किस अधिकारी का है पूछा मैं? परिक्षेत्र अधिकारी, रेंजर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी, ये जो अंतिम भुगतान है और आपके जो फॉरेस्ट के जो नियम हैं उसके अनुसार से नीचे के अधिकारी का नहीं है, अंतिम जो है वो अंतिम है कि भुगतान के पूर्व वन मंडलाधिकारी समस्त कार्यों का माप करे अथवा निरीक्षण करे, सही भुगतान का अंतिम उत्तरदायित्व वन मंडलाधिकारी का होगा। ये आपके छत्तीसगढ़ वन वित्तीय नियम के खंड एक के नियम चार के उपनियम छह में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें जो लापरवाही बरती गई डीएफओ के द्वारा और जिसके कारण में पूरे जो घटना घटित क्रम हुआ, तो इसके लिए आप डीएफओ के ऊपर में क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की कार्रवाई संपन्न हुई है और जांच की कार्रवाई में जिनके जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और जो दोषी पाए गए हैं उनके नाम हैं श्री विजय कुमार साहू वन क्षेत्रपाल, श्री सेवक राम बैगा वन क्षेत्रपाल, श्री मोहम्मद समीन वनपाल, श्री हित कुमार ध्रुव वन रक्षक, श्री मुलेश कुमार जोशी वन रक्षक, ये सारे लोगों को पहले निलंबित किया जा चुका है। इसलिए नहीं पूछ रहा हूं किसको निलंबित किए, कब निलंबित किए, वो प्रश्न मेरा नहीं है। प्रश्न ये है कि इसके लिए जो जवाबदार अधिकारी कौन है, तो आपने बता दिया
मैंने आपके जो फॉरेस्ट के नियम है उसको बता दिया, संहिता पढ़ के बता दिया, और इसके अंतर और आज के ही प्रश्न है माननीय सदस्य धर्मजीत के प्रश्न में आपने उसमें भी स्वीकार किया है कि उसके लिए जो अंतिम जो अधिकारी डीएफओ है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि जो जितना घटनाक्रम हुआ और जो दोषी पाए गए, अंतिम भुगतान जो होने के पूर्व डीएफओ का काम है उसको चेक करना, उसका निरीक्षण करना, मौके पर जाना, लेकिन आपके डीएफओ ने जो नेग्लिजेंसी बरती है और इसके कारण में सारी घटनाक्रम हुआ, तो मैं मांग करता हूं कि डीएफओ को आप सस्पेंड करें और सस्पेंड करने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया के उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंडल अधिकारी के द्वारा क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा होता है तो सभी कार्यों का निरीक्षण नहीं होता, नीचे के अधिकारी अपने स्तर पर जो काम करते हैं तो उसके स्तर पर जो भी बिल वाउचर वगैरह जाता है अंतिम भुगतान के लिए डीएफओ के पास जाएगा, उसको अंतिम करेगा। लेकिन अब डीएफओ की भूमिका क्या है, उसकी भी कोई गलती है तो आप यदि बोल रहे हैं तो मैं दिखवा लेता हूं उसको। नहीं, दिखवाने का नहीं है, एक तो अभी तक भुगतान नहीं हुआ उसको। दिखवाने का मतलब जांच कराना है। नहीं, अच्छा ठीक है, दिखवाने का मतलब जांच कराना। हाँ, है तो दिखवाने का मतलब जांच करा लेंगे, अगर दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, क्या दिक्कत। दूसरा मेरा प्रश्न यह है, अरे अब छोड़िए ना, हो गया, अब एक अंतिम प्रश्न, सस्पेंड तो हो जाए, भुगतान नहीं हुआ है, एक डीजल का है उसमें, उसमें आपके जांच में आया है। अरे बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री जी का प्रश्न लगता है, बोरा जी बैठे हैं उनको ध्यान दीजिए। तो केवल एक ही प्रश्न तो लगा है अध्यक्ष महोदय, बड़े मुश्किल से ही लगता है। तो एक तो जो डीजल का पेमेंट नहीं हुआ है, दूसरा जो जांच में पाया गया है कि उसके जो प्रमाणक है उस प्रमाणक को इन्होंने उपेंद्र सिंह को भुगतान न करके उनके जो लेबर है उसमें दूसरे को भुगतान हुआ और ये आपके जांच में आया है, ये जो लंबित प्रक्रिया है उसके भुगतान की, इसको आप कब तक करवा देंगे? जल्दी से जल्दी इसमें भुगतान करवा देंगे। आप एक महीना बोले, दो महीना बोले, तीन महीना बोले, कोई दिक्कत नहीं, यथाशीघ्र। आप यथाशीघ्र पर भी भरोसा करो। अरे कोई तारीख, मैं बोला तीन महीना, आप बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तीन महीना बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें तारीख कोई भी बता दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज कर दीजिए, आप तारीख बता दीजिए कब करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान से संबंधित जो मामला है जिसे वसूल किया जाना है, तो प्रारंभिक जांच में तो ये पता लग गया कि इसे वसूल किया जाना है, लेकिन उसकी विभागीय जांच चल रही है तो इसके कारण अब कितना समय लगेगा, तीन लोगों का तो कल ही उसमें सुनवाई होना है, तो इसलिए यथाशीघ्र इसको मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यथाशीघ्र मत बोलो मंत्री जी, कोई भी तारीख बता दो आप। आपने उनको बहाल कर दिया, दो महीना में बहाल कर दिया आपने, मुझे यह समझ में नहीं आया कि आप यहां विधानसभा में उसको घोषित किए, सस्पेंड किए, और सस्पेंड करने के बाद में बाहर जाकर आपने बहाल कर दिया। क्या इमरजेंसी थी मुझे नहीं मालूम, मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता। चलिए छोड़िए, वही तो मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसको कब तक कर देंगे, सुनिश्चित कर देंगे तो यह ठीक रहेगा। आप सुनिश्चित कर दें, तीन महीना करें, दो महीना करें, छह महीने में। चलिए, छह महीना, मैं यही तो चाह रहा हूं कि। चलिए, धन्यवाद आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से आज पूरे प्रदेश में 24 घंटा सातों दिन बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से जारी है और बिजली बिल हाफ करके उन्होंने जो कार्य किया और आम जनता को जो राहत पहुंचाई है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रश्न क्या है ये पूछ रहे? प्रश्न ही प्रश्न ही कर रहा हूं जी। ये जी, सवेरे सवेरे टिकट की गारंटी मिल गई क्या? क्या मिल गई? टिकट की गारंटी मिल गई क्या सवेरे सवेरे? टिकट की गारंटी क्या है, हम लोग टिकट की गारंटी के लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तो श्रद्धा से काम करते हैं। वेरी गुड, हमारे मन में श्रद्धा है। ये दो तीन लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल पट्टा लिखाया हुआ है, इनका टिकट कोई खतरा नहीं है, ये सब दुर्गा माँ की कृपा है। इनका टिकट, इनका मितेश जी का टिकट कौन काट सकता है? हाँ, तो जब शिवरतन जी बोल ही रहे हैं, अध्यक्ष महोदय एक लाइन बोलूंगा, प्रश्न भी एक ही करूंगा, ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा। करिए ना, उसी को तो करिए, सही कर रहा हूं मैं। एक लाइन आगे और बोलना चाह रहा था कि चार वर्षों में सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। अब मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो 13 नगरी निकाय हैं और जो संस्थाएं हैं सरकारी, उसमें कितने संस्थाओं ने अभी तक बिजली का बिल नहीं पटाया है
और नहीं पटाया है तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय राशि बचत जो बचा है मार्च 2022 तक के, वो 473 करोड़ 67 लाख रुपए की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और 22-23 में 384, 22-23 में जो संग्रहण बकाया जो राशि है जनवरी 2023 तक के, वो 537.67 करोड़ है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इन दो तीन वर्षों में कोरोना के कारण से ये स्थिति आई कि जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत है और जो शासकीय विभाग हैं, उसके में निश्चित रूप से जो बकाया राशि वसूली में शिथिलता आई अध्यक्ष महोदय, और चूंकि कोरोना काल था इस कारण से इसमें बहुत जोर हम लोग नहीं दिए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्यमंत्री जी वसूली कब तक हो जाएगी इनकी? अब आगे करेंगे जी। अच्छा माननीय जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके निर्देश पर प्रीपेड मीटर छत्तीसगढ़ में लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया था, ये कार्य कहां तक पहुंचा है और कब तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा? प्रीपेड का आपने क्वेश्चन किया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में संचालित हो रहा है और इसमें एक दो राज्य टेंडर की स्थिति में है, हम लोग भी अब टेंडर लगाने की स्थिति में है, और प्रीपेड जैसे लग जाएगा वो रजित, ये वसूली की जो आप प्रश्न है ना वो फिर नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपेड होगा चाहे विभाग हो चाहे व्यक्ति हो, तो वो प्रीपेड जैसे लागू होगा अध्यक्ष महोदय, ये सारे बकाया राशि अपने आप वसूली हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, और दूसरा विषय ये भी है अध्यक्ष महोदय जी, इस पे पायलट के संदर्भ में अजय चंद्राकर जी ने किया था और मंत्री जी ने उनको जवाब दिया था, करीब करीब लगभग 34 करोड़ रुपए हमने प्लेन में खर्च हुए हैं, और ये इसलिए हुए है कि पायलट की कमी के कारण पे, पायलट की कमी को बताया गया है, और आज भी जो आंकड़े दिए गए हैं लगभग उसमें करोड़ों रुपए के खर्च हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और माननीय मंत्री जी ने से निवेदन है कि जो आपने पायलट की कमी किया और आपने प्रक्रिया भी किया, भर्ती की प्रक्रिया भी किया, तो प्रक्रिया करने के बाद कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था और किसको आपने वेटिंग लिस्ट में दिया था, पहला एक प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। और क्या वो अगर वो छत्तीसगढ़ के हैं तो ये भी बता दीजिएगा, और वेटिंग लिस्ट में किसको आपने दिया है उसको भी बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पायलट के भर्ती के प्रक्रिया में बताया गया, जिसमें कमिटी बनी थी और कमिटी के माध्यम से साक्षात्कार भी लिया गया था, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय चूंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है और इस कारण से ये प्रक्रिया भी रुकी हुई है। माननीय इसलिए गया कि ये जो चयन प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण रहा, भेदभावपूर्ण रहा है, और उस चयन में कैसा है, एक जो लड़का जिसका चयन प्राथमिकता से किया गया था वो पायलट कैप्टन नसीन बामन है जो हरियाणा का रहने वाला है। कोर्ट में कोई चीज विचारा मैंने के लिए मैंने न्यायालय इसलिए गया, न्यायालय हक मांगने के लिए गया, न्यायालय में गया। माननीय अध्यक्ष जी आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बनेगा? मैं कह रहा हूँ न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है नहीं सुना जा सकता। मैं बता रहा हूँ कि चूंकि न्यायालय है, लेकिन मैं उनको चयन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। जिस कारण भी गया हो, जिस कारण भी गया हो, प्रक्रिया अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो यहाँ प्रश्न नहीं किया जाता। नहीं नहीं, न्यायालय में विचाराधीन है, प्रश्न नहीं किए जाते। अध्यक्ष महोदय जी, ये चूंकि प्रश्न मैंने प्रक्रिया का पूछा, आप दूसरा और अच्छा, छत्तीसगढ़ के लोगों को 10% आपने, छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने 10 अंक देने का प्रावधान किया था क्या? ये भी न्यायालय में तो नहीं गया होगा अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री, उसने आपने जवाब भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त कोई अंक नहीं है अध्यक्ष महोदय, अधिमान्य अंक है जो इंटरव्यू में अधिमान्य कर रहता है, और उसमें अलग अलग किसमें कितना अंक दिया जाता है वो सारी प्रक्रिया में है, लेकिन उसके लिए भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार में मूल निवासी को प्राथमिकता है। लेकिन जो दूसरा आपने पहले प्रश्न पूछा था
जिसमें शासकीय विमान की 208 का उसका तजुर्बा नहीं है, जो आप पहले प्रश्न पूछ रहे थे। माननीय अध्यक्ष तजुर्बा सबसे ज्यादा है, मैं बता रहा हूं। कैप्टन जिसका चयन हुआ है उसको 3529 घंटे का अनुभव है, और ये भी एक सीनियर पायलट है जिसको 6988 घंटे का अनुभव है, और ये बोइंग चलाने का अनुभव रखता है, एक सीनियर पायलट है, बोइंग चलाता है, और जिसमें 200 लोग रहते हैं। न्यायालय में बिचारा थे ना उसको, कैसे आप प्लीज है जो चयन प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं, न्यायालय में जो होगा अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए है। और वो जो लड़का एटीपीएल का भी है, जो बहुत ही भारत सरकार से एक उच्च कोटि का पायलट लाइसेंस है अध्यक्ष महोदय जी, उसको छोड़ा गया, और जबकि ये छत्तीसगढ़ का ही है, और उसको ऑलरेडी 7 लाख रुपए मिल रहा था, और संविधा के आधार पर इसमें केवल इसलिए कि वो अनुसूचित जाति का आदमी है, और ये सबसे बड़ा है, केवल अनुसूचित जाति का आदमी था, पायलट रात्रि योग्यता होने के बावजूद भी उसको अस्वीकार किया गया, वेटिंग लिस्ट में आने के बावजूद भी उसको अस्वीकार किया। चलिए लखेश्वर बघेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अनुमंत्री से जिला बस्तर में कैंपा बंद अंतर्गत किए गए कार्यों से संबंधित मेरा क्वेश्चन था। आदरणीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से, राशि आहरित करने से कार्य पूर्ण हो जाता है क्या? मेरे क्षेत्र की मामला है और बस्तर जिले से संबंधित था, लेकिन मेरे क्षेत्र में मैं सभी कार्य को देखा हूं, कौन कार्य पूर्ण हुआ, कौन कार्य अपूर्ण है, लेकिन 4-5 कार्य ऐसे हैं जो अपूर्ण है अभी तक, उसको भी पूर्ण बताई जा रही है। तो मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि अपूर्ण कार्य जो बताई जा रही है, ये पूर्ण बताई जा रही है, उस संबंध में अधिकारियों को कार्य कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की कोई बात है तो आप कार्यों का नाम दे दें, निश्चित रूप से मैं पूरी जांच करवा दूं। नहीं, जांच से काम नहीं चलेगा, इस टाइप का काम अधिकारी लोग करते हैं और सदन में गलत जानकारी देते हैं और दिखवा लेंगे बोलने से नहीं हुआ, उसको आप करिए कि उनका कार्रवाई करें। वो तो दिखवा लेंगे, नहीं बोल रहे हैं जांच करा लेंगे। नहीं, दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैंने दिखाने का बोला ही नहीं, वो तो जांच कराने की बात है। एक बेत जरना हमारे डूरका बेड़ा में 24 लाख रुपए खर्च की बात की जा रही है, लेकिन 25 लाख उसमें मिला था, उसके बाद 50 लाख मिला, 75 लाख का वो कार्य था, लेकिन वो कार्य अभी वो भी कार्य अपूर्ण है, लेकिन 24 लाख वे बता रहे हैं उसकी जानकारी इसमें नहीं जाएगी। कार्य बहुत दिनों से उसमें हम लोग प्रयासरत है पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो बेत जरना भी नहीं हुआ। तोंग कोंगेरा में भी अलग से चेलिंग पेंसिंग बात करी, करोड़ पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 15-16 में 1,20,00,000 के लगभग खर्च किए, उसके बाद भी 3 लाख रुपया निकाल के उसमें पूर्ण बता रहे, वो 1 करोड़ रुपये काम अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी पूर्ण बताई जा रही है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की काम अधिकारी लोग करते हैं, निकाल के पैसा निकाल के पूर्ण बताई जा रही है, तो मननी इस संबंध में कोई जांच समिति गठित करेंगे क्या? सदस्य महोदय, आपने जो पहला प्रश्न किया वो बहुत जानदार था, क्या राशि आहरित कर लेने से काम पूर्ण हो जाता है क्या? उसी पे चढ़े रहते और बिछड़ रहे इधर उधर। नहीं नहीं, उसके बाद एक तोंग कोंगेरा का संवर्धन संरक्षण के लिए जो राशि निकाली गई थी उस संबंध भी है, और उसके बाद बेत जरना में भी है, ये डूरका बेड़ा हमारे गांव की मामला है, उसमें भी अपूर्ण है कार्य, लेकिन पूर्ण बताई जा रही थी। इस संबंध में थोड़ा गंभीरता लेने की जरूरत है, और इसी तरह और भी 24 कार्य है, इससे एकदम वन एरिया में भी है, तो जो मैदानी क्षेत्र में पूर्ण बताई जा रही है तो उस पर क्या होगा? 12 कार्य 20-21 का है, अपूर्ण बताई जा रही है। चलिए, माननीय मंत्री जी बता दीजिए। संबंध में
माननीय अध्यक्ष महोदय पूरा संतुष्ट करिए उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय ये जिन कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं मैं पूरे की जांच करा दूंगा। यदि मान लो यहाँ पे बताया गया है तो बिना जांच के कैसे किसी को दोषी ठहरा सकता हूँ? जांच तो हो गई, तो आप यदि बोल रहे हैं तो मैं तत्काल जांच करा के और इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो जवाबदारी व्यक्ति हैं, हम लोग बता रहे हैं, अपूर्ण है इसलिए तो बता रहा हूँ। जांच करेंगे, बता रहे हैं इसलिए, बगैर लाग लपेट के डायरेक्ट बोला गया कि हम जांच कराएंगे कार्रवाई कराएंगे। दलेश्वर जी, थैंक यू। मेरे अभी प्रश्न इसी से रिलेटेड है साहब, और मेरे ही प्रश्नोत्तरी में तारांकित के और यही प्रश्न में विरोधाभास है, पूर्ण बता दिए हैं और आज भी उस जगह काम ही नहीं हुआ है। तो वन विभाग में लगभग मैंने क्वेश्चन आंसर लगाने का मेरा पूरा प्रयास रहा है और सारे प्रश्नों के उत्तर गलत ढंग से हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि इसी जांच में मेरा भी तो नाम बता दीजिए ना, आप किसका जांच कराना है? इसी प्रश्न में है साहब, अब मैं फिर बताऊंगा तो विस्तार होगा, पर मेरा भी शामिल करवा लीजिएगा। इनका प्रश्न आगे है, आगे है प्रश्न इनका, आपका प्रश्न आगे है। मेरा तो आगे नहीं है साहब, मेरा तो आगे तक चर्चा हो भी नहीं पाएगी, पर मैंने अध्ययन किया है कि इसी दोनों प्रश्न में विरोधाभास, एक में पूर्ण बता दिए हैं, एक में अपूर्ण बता दिए हैं। चलिए, आपका जब आपका प्रश्न इससे उद्भूत ही नहीं होता तो मंत्री जी जवाब देने के लिए ये पूर्ण अपूर्ण बात है, और पूर्ण नहीं हुआ है तो बस आप या तो नाम बता दीजिए, यहाँ जांच करते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक 21। वन मंत्री यहाँ बताने कृपा करेंगे कि चलिए वो देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 21 देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 का है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, संगीता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वन मंत्री जी का उत्तर आ गया अध्यक्ष महोदय जी, और उत्तर से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 10, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी एक संयोग है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और वो टेंडर की प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कोल के परिवहन का काम दिया जाता है, और इसमें करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया का काम होता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करोड़ों अरबों रुपया की बचत हो सकती है। उस प्रश्न से जो मूल विषय आएंगे प्रश्न में, मैं उसको बताना चाहूंगा, प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्टैंडर्ड प्रक्रिया में कुल कितनी कंपनियों ने भाग लिया था? निविदा प्रक्रिया के लिए क्वालिफिकेशन की शर्त क्या थी? टेंडर प्रक्रिया में क्या दो कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वर्तमान निविदा में 8 निविदाकर्ताओं ने ऑनलाइन निविदा क्रय की, इसमें से 4 निविदाकर्ता ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की। वर्तमान में इसके प्रक्रिया के बारे में पूछें, प्रक्रिया तो आपने बनाई थी, आपके सरकार के समय बना था, और वो पूरा डिटेल मैं कहो तो मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर पटल पे रख दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए उनको। दो पुराने मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री में इतना सामंजस्य तो होगा, एक दूसरे का विश्वास करते होंगे। क्या टेंडर की प्रक्रिया में दो कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है कि नहीं? नहीं है। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो टेंडर की प्रक्रिया कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ, उसमें गाइडलाइन क्या हो सकता है, और उसके टेंडर को प्रक्रिया में मापदंड क्या स्थापित हो सकते हैं? वो मापदंड एसईसीएल निर्धारित किया है अध्यक्ष महोदय। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा कोल के ट्रांसपोर्टर के लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए किलोमीटर के हिसाब से रेट तय करता है, और वो नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये नोटिफिकेशन 22/7/2022 को यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, और उन्होंने रेट जारी किया है 1 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का और 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टिंग के लिए 116 रुपया, यानी 40 किलोमीटर के यदि ट्रांसपोर्टिंग होना है तो 232 रुपया होता है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि
एसईसीएल के 20 किलोमीटर के कोल ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रुपया प्रति मैट्रिक टन चार्ज किया जाना चाहिए, मगर यहां टेंडर की प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया लिया गया, 221 रुपया अतिरिक्त। यदि एसईसीएल के नियम के आधार पे यदि टेंडर की प्रक्रिया होती तो ये 250 रुपया जो अतिरिक्त हर टन दिया जा रहा है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष महोदय कि ये प्रक्रिया में कोई भी टेंडर करता एसईसीएल के दर पे काम करने के लिए तैयार है, मगर हमको ये मालूम है कि एसईसीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका रेट मालूम हुआ है, उसके रेट के आधार पर यह मालूम हुआ है कि ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद दुगने दर में 446 रुपया प्रति 40 किलोमीटर के लिए टेंडर देने की क्या मजबूरी थी, और 210 रुपया प्रति मैट्रिक टन कहां जा रहा है, एसईसीएल के रेट के आधार पे 210 रुपया कहां जा रहा है, उसका क्या हिसाब है, ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं। बहुत लंबा सा सवाल है अध्यक्ष महोदय, और एसईसीएल से और दूसरे खदानों से तुलना की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीजन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एसटीसी डिवाइड जो एसटीसी फॉर डिफरेंट लीड डिस्टेंस आरएस अंडर, इसमें अध्यक्ष महोदय जो एसईसीएल के जो खदानें हैं और उसके खदान के भीतर में जितने परिवहन होते हैं उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, जिसमें 3 किलोमीटर 0 से 3 किलोमीटर का 40 रुपया है, 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के 87 रुपया है, 10 से 20 किलोमीटर तक के 116 है, और इसमें चौथा जो क्लास है मोर देन 20 किलोमीटर एक्चुअल प्लस 10%। तो अध्यक्ष महोदय, ये खदान के भीतर जो एसईसीएल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए है, 20 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है अध्यक्ष महोदय, एसईसीएल में भी 20 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर का अलग अलग है। और जहां तक की बात है अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं इसमें आप देखेंगे खुद भी यदि उसी हिसाब से है, तो जब आपने टेंडर किया था उस समय 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का क्लास आपको डालने की आवश्यकता नहीं थी, फिर उस समय आप कह देते, जिस समय आपने नियम बनाया उस समय कह देते कि एसईसीएल में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से परवान होगा, ये तो आपने उस शर्त में डाला नहीं जो 2017 में आपने बनाया उसमें इस प्रकार से नहीं, बल्कि आपने ये कहा चूंकि रेलवे साइड बनने में टाइम लगेगा और अभी भी लगभग 1.5 साल लगेगा अध्यक्ष महोदय, और जब बन जाएगा तो उसके बाद ये सड़क परिवहन की आवश्यकता नहीं होगी, उस समय भी आपने यही क्लास डाला कि जो 40 किलोमीटर घरघोड़ा और 80 किलोमीटर जो रॉबर्टसन वहां तक पहुंचाने के लिए आपको अलग से निविदा जारी करनी पड़ेगी, जिसमें एमडीओ के भी एक व्यक्ति उसमें उसके प्रतिनिधि उस कमेटी में रहेगा। ये सारे क्लास तो आपके समय डाला हुआ है, आपने बनाया जब आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, विभागीय मंत्री थे, तब आपने क्लास डाला था, प्रश्न तो सवाल ही उठता, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। खदान के भीतर के ट्रांसपोर्टेशन अलग है अध्यक्ष महोदय, और अलग अलग सड़कों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग खदानों में अलग अलग रेट आते हैं अध्यक्ष महोदय जी। एसईसीएल ने स्पष्ट रूप से जो नोटिस जारी किया अध्यक्ष महोदय, दिस इज इन्फॉर्म टू कंसर्न द एसईसीएल बोर्ड AT 327th मीटिंग हेल्ड इन 25/7/22 अप्रूव द रिवीजन ऑफ द सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्ज रिवाइज एसटीसी फॉर डिफरेंस लीड डिस्टेंस इज अंडर। ये अध्यक्ष महोदय, ये नोटिफिकेशन जारी किया है और ये सबके लिए है अध्यक्ष महोदय, ये सभी एमओयू के लिए है, एफएसए के लिए है, ऑक्शन के लिए है, और ये सारी प्रक्रिया एसईसीएल मापदंड है। एसईसीएल हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में कोल ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा अनुभव, छत्तीसगढ़ को क्या अनुभव है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या अनुभव है, हम विशेषज्ञों की राय लेकर कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो काम पिछले 50 साल से कर रहे हैं उनके गाइडलाइन के आधार पे करप्शन को दूर करने के लिए मापदंड स्थापित करते हैं। एसईसीएल ने जब गाइडलाइन तय किया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अलग से गाइडलाइन बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी, और इससे यदि उसे बचत होती है अध्यक्ष महोदय, दुगने कीमत पे
यानी पर टन 250 रुपया के अतिरिक्त आज तक छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के इतिहास में इतना रेट डिफरेंस नहीं हुआ है कि 200-250 रुपये में जो ट्रांसपोर्टिंग होना था उसको 465 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग कराया जा रहा है। हिंदुस्तान में इससे बड़ा करप्शन कोल के मामले में, ट्रांसपोर्टिंग के मामले में कहीं नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। ये सरासर ट्रांसपोर्टिंग के नाम से पूरे प्रति टन 210 रुपया मैट्रिक टन की वसूली हुई है, एग्रीमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इस सारे विषयों को एसईसीएल के मापदंड के आधार पे मेरा पहला मांग है अध्यक्ष महोदय कि टेंडर को ही रद्द किया जाए। नए सिरे से करोगे आप, हजारों करोड़ रुपया की बचत होगी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और अन्य कंपनी को। ऐसे हमारे पास मापदंड है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानने को तैयार है। इसके बाद भी आप नई प्रक्रिया अपनाने को तैयार है, नए प्रक्रिया में आप 250 रुपये प्रति टन, 250 रुपया प्रति टन एक्स्ट्रा दे रहे हो अध्यक्ष महोदय। बचत करते तो हम तो बोलते कि आपने एसईसीएल के मापदंड को नहीं माना, बचत नहीं किया जा रहा। क्या इस टेंडर को निरस्त किया जाएगा, पहले मेरे प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, केमिकल लोचा है। अध्यक्ष महोदय, जब आपने ये मड़वट पावर प्लांट लगाया, खदान आपको मिली, टेंडर की शर्तें आपने लगाई, उस समय आपको क्या ज्ञान नहीं था एसीसीएल वहां ट्रांसपोर्टिंग करता है? मड़वा तो कल बना अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टिंग 2020 से शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय, एसीसीएल तो कब से चल रहा है और उसके नियम कब से बने हुए हैं? लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं रमन सिंह जी को बताना चाहूंगा कि न केवल मड़वा यहां के ट्रांसपोर्टिंग की बात है, यदि आप कहेंगे नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड, इसकी आप कहेंगे 26 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें 13 रुपये 15 पैसा लिया गया अध्यक्ष महोदय। नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, वो 10 से 60 किलोमीटर की जो ट्रांसपोर्टिंग है उसे 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किया अध्यक्ष महोदय। लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, इसमें 33 किलोमीटर का है अध्यक्ष महोदय, उसमें 17 रुपया 83 पैसे और 18 रुपये 26 पैसे तक के अध्यक्ष महोदय। और हमने ये किया अध्यक्ष महोदय, वो 80 किलोमीटर तक के 8 रुपये 54 पैसा और 40 किलोमीटर का 11 रुपये 65 पैसे, जो एनटीपीसी ट्रांसपोर्टिंग करा रहा उससे भी हम कम करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये कहना कि सबसे पहली बात तो अब उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास एसीएल के जब गाइडलाइन है तो आपने शर्त क्यों डाला था कि भ्रष्टाचार करने के लिए आपने क्यों आपने डाला इसको? यदि उस समय नहीं होता तो हमको टेंडर करने की जरूरत नहीं थी, उस समय क्लास कर देते कि एसीसीएल के जो गाइडलाइन है वो 10 किलोमीटर पर के अध्यक्ष महोदय, उससे अधिक का नहीं है, 20 किलोमीटर से अधिक का नहीं है, जबकि हमारी दूरी 40 और 80 किलोमीटर है। तो जितनी दूरी बढ़ेगी उसके अलग अलग हिसाब से, सड़कों के हिसाब से, दूरी के हिसाब से वो फिर किलोमीटर तय होता है, और वो टेंडर एक बार नहीं ये तीसरी बार है अध्यक्ष महोदय। मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं आ रहा है कि भाई जब 211 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है, हो रहा है, एसीसीएल करवा रहा है, और उस रेट में आप दुगने कीमत देने के लिए इतना जल्दी तैयार किए, दो टेंडर ही आए थे, तीन टेंडर भी लगे होते तो समझ में आता, दो लोग ही निविदाकर्ता थे, दो निविदाकर्ता के साथ एडजस्ट करके 200 रुपया 250 रुपया प्रति टन का गोलमाल हुआ है अध्यक्ष महोदय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को विधायकों के जांच समिति के द्वारा अध्ययन कराएं ताकि छत्तीसगढ़ के खरबों रुपया को बचत हो सकते। क्या मुख्यमंत्री जी तैयार हैं इस पूरे मामले को विधायकों की कमेटी बना के संयुक्त विधायक दल? आप ही के जमाने में नियम बनाए बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बोला केमिकल लोचा है, 211 रुपये थे ही नहीं अध्यक्ष महोदय। अभी अभी रमन सिंह जी ने कहा 211 रुपये, अब मैंने आपके अपने उत्तर में कहा अध्यक्ष महोदय कि हम केवल 8 रुपया और 11 रुपया इसके हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब ये कहते हैं 211 रुपया, तो 211 रुपये थे ही नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो बहुत कम ही ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं, ये कहां 211 आ गया?
ये जैसे 16 लाख आ गया था ना आपके जवाब मकान का, आपके जवाब को पढ़ा नहीं है शायद। अरे आपने 211 रुपए कहा भी, आपने आपके जवाब को मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको दूसरा पर्ची मिल गया, आपको जवाब का दूसरा पर्ची मिल गया, मैं आपके जवाब को पढ़ रहा हूँ। आपने बताया कोल ट्रांसपोर्टेशन पे घरघोड़ा रेलवे साइडिंग 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन, रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग 80 किलोमीटर के लिए 683 प्रति मैट्रिक टन के दर से कार्यादेश हुआ है। ये दुगने से ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, दुगने से ज्यादा है, प्रति टन 250 रुपया का हिसाब हुआ। यह इनके जवाब में आए, मैं कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा हूं, इनकी पर्ची दूसरी पढ़ रही है। ये 211 यानी एसईसीएल के रेट के अनुसार पे 232 रुपया से ज्यादा नहीं होता जो 466 रुपया हो रहा है, ये दुगने कीमत में, इसलिए इसको तत्काल रद्द किया जाए अध्यक्ष महोदय और रीटेंडर किया जाए, विधायकों के जांच दल से इसकी जांच कराया जाए। ये पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, कोल के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं किलोमीटर के हिसाब से बताता हूं तो टोटल दूरी के हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं, अब पूरा दूरी के हिसाब से बताऊंगा तो किलोमीटर में आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, पूरे 40 किलोमीटर का ये लिखित उत्तर में अध्यक्ष महोदय। ये केमिकल लोचा क्या है मुझे तो समझा दीजिए। मतलब अभी तक के रमन सिंह जी वो 18 लाख मकान जो है वो 8 लाख फुट बनवा चुके और उसके बाद 16 लाख बचा है, और इसमें जो ACCL का उस गाइडलाइन को कौन मार रहा है अध्यक्ष महोदय? जितने भी बाहर की जो सड़कें हैं उसके परिस्थिति के हिसाब से दूरी के हिसाब से होता है। अब ये तो सीमित दूरी के लिए अध्यक्ष महोदय, 0 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के, और 20 किलोमीटर के अधिक के लिए है, तो 20 किलोमीटर से अधिक के लिए जो आप है, क्योंकि 40 और 80 किलोमीटर है घरघोड़ा और रावर्सन का, तो ऐसी स्थिति में आपने ही जब शर्तें बनाए MDO नियुक्त किए उस समय जो शर्त डाले थे इसके लिए MDO नियुक्त किया जाएगा, और MDO जो 0 से 3 किलोमीटर तक के है उसमें तो MDO ट्रांसपोर्ट कर लेगा, लेकिन जो अधिक है इसलिए टेंडर होगा, और टेंडर के में उस टेंडर प्रक्रिया में MDO के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये आप पूरा जो MDO नियुक्त किया उस समय सारे शर्तें हैं, और ये शर्त कौन बनाया? हमने तो नहीं बनाया, वो आपने बन रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय केमिकल लोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस बात का आ जाए कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है तो जांच के लिए 221 जवाब तो ये आ रहा है कि आप ही के जमाने में नियम कानून बने हुए हैं। लोचा के सवाल में जवाब दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जब आपको काम आज के तारीख में टेंडर करोगे तो 225 रुपया में तैयार हो जाएगा, तो 466 रुपया लगातार देने का इतना बड़ा लेन देन हिसाब किताब आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। जो 232 रुपया में तैयार हो जाए वो 466 रुपया का टेंडर स्वीकृत करना किसी मापदंड के आधार पर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के जो कंपनी है उसके माध्यम से टेंडर फ्लोट किया गया, और ये टेंडर और पूरे देश भर के पेपरों में इसका विज्ञापन निकाला गया, ऑनलाइन टेंडर भरा गया, और जब टेंडर भरा गया तो उस समय जितना रेट आएगा उसी हिसाब से तो फैसला होगा अध्यक्ष महोदय। अब आपके पास है तो अगले समय टेंडर में भरवा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में आपको कोई कमी है क्या? वो पूरा देश भर में इसका विज्ञापन दिया गया, सारे समाचार पत्रों में जो लोकप्रिय समाचार पत्र हैं उसमें विज्ञापन दिया गया, ऑनलाइन टेंडर किया गया, 8 कंपनियां आई तो 4 कंपनी वापस ले ली, 2 सही पाए गए, उसमें बीडिंग हुई, रिवर्स बीडिंग भी हुई, वो सब होने के बाद तय हुआ। अब कहां से 200 हो गया अध्यक्ष महोदय? जब हमने टेंडर बुलाया है उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको दिमाग में भ्रष्टाचार भर गया, इसे हर समय उस वही वही बात करते हैं। भरा है, पूरा भरा है, चलिए पूरा भरा है, आधा नहीं, इसके पूरा भरा है। परिवहन में जितने भी दूसरी कंपनियां परिवहन करा रही हैं अध्यक्ष महोदय, ACCL और दूसरी कंपनियां, ACCL की सड़क खराबे हैं, सबसे खराब सड़क ACCL का है जो उनका इंटरनल रोड है, हमारी सड़क तो शानदार है। अच्छा,
हमारी सड़कें कम से कम शानदार है तो वहां पे परिवहन का दर कम होगा कि ज्यादा होगा? ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है, एसईसीएल के अंदर का रेट से दुगने रेट में कोल परिवहन की अनुमति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा कंपनी वाले इनसे मिले थे क्या? छोटा सा विषय मेरा है, इस विषय की जांच यदि करा लें विधायकों से तो ये सारा विषय भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी के जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं उससे जुड़े हुए कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं उसके बारे में मैंने आंकड़े दे दिए, उसके रेट मैंने दे दिए, और जहां तक के घर घोड़ा की जो सड़क है और आवरसंगत की सड़क है उसके बारे में जितने हमारे रायगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी गया था, निर्देश भी दिया था कई बार उस सड़कों को बनाने के लिए, आप सब जानते हैं। और इसके पार्टी पदाधिकारी पदयात्रा भी किए, सड़क और अच्छी है फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? उस सड़क में अध्यक्ष महोदय वाकई में बहुत खराब है वो सड़क, और हम लोग लगातार रिपेयरिंग करने की कोशिश करें, भारत सरकार से करें कि उसको ले लें, लेते भी नहीं, और उसके कारण से वो रेट आया अध्यक्ष महोदय। लेकिन दूसरे जो और कंपनियां हैं जहां ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है उससे बहुत कम में किए अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ है। और केवल रमन सिंह जी को केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है करके, ये पहली बार नहीं लगाया, इसके पास और पहले लगाए थे अध्यक्ष महोदय, और 12 में खुद भी जवाब दिए थे, जेजी पटेल ने प्रश्न किया था और रमन सिंह जी ने इस मामले में इसी संबंध में प्रश्न लगाया था, उसका जी भी जवाब दिया था। अच्छा, यदि आपको लगता है कि उस समय के परिवहन के दर और अभी के परिवहन दर में आपको चर्चा करना है तो खुली चर्चा कर लेना। उस समय के परिवहन की दर क्या होती थी, टेंडर की प्रक्रिया? रमन सिंह जी, रमन सिंह जी 2012 में भी शुरू भी नहीं हुआ था, खुली चर्चा हुआ था, परिवहन के दूसरे संदर्भ में हुआ था। चुनौती देता हूं ना, अरे भैया उस समय ट्रांसपोर्टिंग हुआ ही नहीं था। आज यदि तुलना करते हैं तो 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, महंगे पावर प्लांट तो कर लो आप, उसको तुलना करके आज दुनिया के सबसे महंगे पावर प्लांट करा लीजिए, निर्माण इन्होंने कराया, खुली चर्चा करा लीजिए, जमीन अध्यक्ष जी अधिग्रहित की, आप उसको नौकरी तक नहीं दे पाए, वो सबको हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एमबीए उन्होंने नियुक्त किया, एमबीए की शर्त इन्होंने तय की, उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब पूरा टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी अध्यक्ष महोदय, मान्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। मान्य अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, दो मुख्यमंत्रियों के बीच में मैं किसी के लव नहीं करता। चंदन कश्यप क्या है, दो मुख्यमंत्रियों की ज्ञानवर्धन हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का जवाब में आया है 675 रुपए में ट्रांसपोर्टिंग का ठेका नए एनडीओ को दिया गया। चंदन कश्यप जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब परंपरा ये है, लेकिन जब पहली बार टेंडर होता है गलत जानकारी, जब तक तीन लोग ना हो तब तक टेंडर नहीं खोला जाता है। और मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि चार लोगों ने भरा, अमान्य हो गए, उसको दो लोग पास है तो नहीं टेंडर क्यों हुआ? एक उपलब्ध है, पहली बार नहीं, दो टेंडर अब कैसे क्लियर कर दिया? बृहस्पति सिंह जी, आप बृहस्पति सिंह जी, आप 675 रुपए में नई एमडीओ ट्रांसपोर्टिंग कर रही कोलरिस करके कंपनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कोलरिस करके कौन एमडीओ आ गया, इसको क्या एमडीओ दिया गया है, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था, क्या कैपेसिटी थी, क्या विभागीय अधिकारियों ने किया गया, जिसको एमडीओ बनाया गया उसको पहले उसको कौन सा अनुभव था? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो टेंडर है, टेंडर में यदि कहते हैं कि चार लोग, आठ लोग फार्म खरीदे, चार लोगों ने फार्म भरा, दो पात्र पाए गए अध्यक्ष महोदय, दो अपात्र पाए गए, और जब किसी भी बिडर ने कोई शिकायत तो की नहीं निविदा में, तो सवाल जब निविदाकर्ताओं ने कोई शिकायत नहीं की है तो फिर सवाल ही जुड़ता अध्यक्ष महोदय। नहीं मान्य अध्यक्ष, सामान्य परंपरा है, माननीय अध्यक्ष, जब टेंडर बुलाया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम आ गया, खोला जाता है, चार लोग भरे, माननीय अध्यक्ष, दो लोगों में खोल दिया गया, चार लोग का टेंडर, वो दो तो अमान्य हो गए थे। माननीय अध्यक्ष, ये शिवरतन जी ना अध्यक्ष जी, शिवरतन जी हमेशा गुमराह करते हैं, चार लोग, अरे शिवरतन जी, चार लोग, चार लोग आपने खरीदे, चार लोग भरे, आपने बताया ना उसमें दो अपात्र हो गए, बच्चे तो भैया तो दो अपात्र पाए गए, उसको चार लोग भरे, उनकी बात में चार लोग भरे, ये कैसे कर चार लोग भरे, जब मानने को तो बोल रहा है कि चार लोग भरे, मैं बता रहा हूँ कैसे तो क्या कर रहा है, चार लोग भरे, 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 चार लोग भर
सब लोग बैठे बैठिए बैठे बैठे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूं, इसमें भ्रष्टाचार के हेलो, इसमें भ्रष्टाचार के जो भी बातें आई हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित जो बातें हैं उसको विलोपित करें, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री का सवाल है, मैंने इसमें किसी को बीच में अनुमति नहीं दी है। मैंने दूसरे आदमी को प्रश्नकाल के लिए बुला लिया था, चंदन कश्यप वापस पढ़े। चलिए बैठिए आप लोग, आप बैठिए 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 बैठिए। ये आपकी मांग है ना, आप लोगों ने मांग की है, आपने मांग की है, आप बैठिए। जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप बता दें, वहां ट्रांसफार्मर स्थापित कर दी जाएगी। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेंडर को रद्द करें, ममता चंद्राकर ममता चंद्राकर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अरे दूसरा प्रश्न हो गया, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय शिव रतन जी शर्मा, शिव रतन जी शर्मा, शिव रतन जी शर्मा, माननीय अध्यक्ष जी शिव रतन जी शर्मा, आप सही है तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ है? अरे आप शिव रतन शर्मा आओ, माननीय अध्यक्ष महोदय इन सब चीजें बंद हो गई है। अब ये यहाँ माननीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के हल्ला करते हैं, ये रास्ता फेरना चाहते हैं, दुकानें बंद हो गई होगी, जनता ने लगा दिया है, वो जाती इसी में लगाने वाली है। भ्रष्टाचार की कोई मुद्दा ही नहीं है, लक्ष्मी ध्रुव, प्रेस कमांड 14, लक्ष्मी ध्रुव, लक्ष्मी ध्रुव, प्रेस कमांड 14, आप लाइए ना इसके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रेस कमांड 14, लक्ष्मी ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है, लेकिन मेरा पूरा प्रश्न ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से अधिक पेड़ लगाए थे, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसकी जांच कराएंगे क्या? कई कक्ष ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। प्रश्नकाल समाप्त, मोहम्मद अकबर जी प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, मोहम्मद अकबर जी आप अपने